हम बीपी चेक करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये जो आप स्फिग्मो मैनोमीटर के कफ को जो बांधेंगे आप, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए आपके एल्बो से, यस मैम, ठीक है। और ये जो है इसकी ट्यूबिंग, ये ब्रैकल आर्टी के जस्ट ऊपर आनी चाहिए, यस मैम। ना आपका कफ ज्यादा लूज होना चाहिए ना ज्यादा टाइट, ज्यादा टाइट होना चाहिए, ठीक है। ये आपने यहाँ लगा दिया आराम से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेथोस्कोप आपने लिया, ईयर पीस को ईयर्स में लगाएंगे आप। सबसे पहले स्टेथोस्कोप में लॉक चेक करेंगे, साउंड आ रही है नहीं, ओके, आपने कर लिया। इसके बाद ये जो है ये ब्रैकल आर्टरी पे आपने स्टेथोस्कोप को लगा लिया, ठीक है। मिनिमम आपको 200 तक आपको जाना है, 200 तक आप गए, ठीक है। अब जो आपको पहली बीट फास्ट सुनाई देगी, हमारी पहली बीट आ रही है 90 पे, यानी ये हो गया सिस्टोलिक बीपी। और लास्ट बीट आ रही है हमारी 60 पे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने स्टेथोस्कोप हटाया, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ पल्स से, यानी पल्पेटिंग मेथड में आप बीपी कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 फिंगर्स का यूज करेंगे, फिर से 200 पे गया, क्योंकि जहाँ से ये फास्ट होना शुरू हुआ, ठीक है, सुई वो आपका सिस्टोलिक बीपी, जहाँ लास्ट में शुरू होना शुरू हुआ वो आपका हो गया डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। बीपी क्या होता है आप लोगों को पता है, बीपी की शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। जब तक अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड बीपी, ठीक है। और बीपी क्या होता है, ये 2 टाइप से होता है, ठीक है। एक तो होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, अगर 90/60 आ रहा है तो आप उसको बोलेंगे हाइपोटेंसिव हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। अगर 140/90 से अबव जा रहा है बीपी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन हो रहा है। थैंक यू।